स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम क्रिप्टो रेगुलेटरी अपडेट दिस वीक में। क्रिप्टो रेगुलेटरी अपडेट दिस वीक के अंदर हम कोशिश करते हैं पूरी दुनिया के अंदर जो भी क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर जो रेगुलेटरी अपडेट्स हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रेगुलेशन पे कुछ ना कुछ चल रहा है, वो आप तक आपके सामने लेके आना, एक समराइज्ड फॉर्म में लेके आना, ताकि आपको ये अवेयरनेस रहे कि पूरी दुनिया में रेगुलेशन के ऊपर क्रिप्टो में क्या चल रहा है। तो ना सिर्फ पूरी दुनिया में, हम लोग शुरुआत अगर कोई इंडिया के अंदर भी कुछ रेगुलेशन पे अपडेट है तो उसकी शुरुआत हम वहाँ से करते हैं। तो इस हफ्ते की शुरुआत हम भारत से ही करते हैं। तो भारत में सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दो ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत करी। एक है साईपैड, जो कि दिल्ली पुलिस के अंदर ये एक एजेंसी फॉर्म हुई है, जिसका एक मेजर स्कोप ऑफ वर्क ये है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर कोई क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो वो उसे इन्वेस्टिगेट करेगी, उसे कंट्रोल करेगी। और ज़रूरी नहीं कि जब वो कोई कंप्लेंट आएगी तभी वो उस पर काम करेंगी, वो अपने आप भी अगर कहीं पे कुछ उनको लगता है तो वो अपने आप भी इनिशिएट कर सकती है एक्शन और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। तो ये दिल्ली पुलिस के अंदर है। इसका साईपैड का फुल फॉर्म है साइबर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस डिटेक्शन सेंटर, और इसी तरीके से नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब का भी उद्घाटन किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोर्ट के अंदर जो मैटर था वो 17 जनवरी को आया था, और 17 जनवरी को जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पार्ट भी है, और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने के जो काउंसिल हैं उन्होंने अपनी बात रखते हुए कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये बोला कि क्योंकि आरबीआई बैन की वजह से क्रिप्टो करेंसी का जो बिज़नेस है, जो एक्सचेंजेस का बिज़नेस है, वो हैम्पर हुआ है, वो उनका बिज़नेस बंद हो गया है, तो जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है पूरे इकोसिस्टम को, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो आरबीआई बैन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है, तो जिसको कोर्ट ने एक्नॉलेज किया। इंपॉर्टेंट बात ये है, और कोर्ट ने बोला था कि फरवरी के लास्ट वीक में इस मैटर पे सुनवाई होगी। तो फरवरी का लास्ट वीक अगले मंडे से शुरू ही होने वाला है, बट मंडे को ना होके ये 26 तारीख में या 27 तारीख में मैटर लिस्ट हो सकता है और सुनवाई हो सकती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डिरेल हो गई थी। जो असली मुद्दा है वो है आरबीआई बैन, कि आरबीआई बैन लिफ्ट हो तो कम से कम जो पूरा इकोसिस्टम है वो फिर से चालू हो, एक्सचेंजेस फिर से चालू हो, ट्रेडिंग फिर से शुरू हो, और कन्फ्यूजन का जो माहौल बना है वो ख़त्म हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो वीक है फरवरी का, हम कोई भी ऐसा अपडेट होगा तो आपके सामने लेके आएंगे। दूसरा अपडेट है चिले से। चिले के अंदर जो है सेंट्रल बैंक ऑफ चिले ने बोला है कि अभी कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी क्रिप्टो इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड अबाउट डिसाइड गाइडलाइंस और रेगुलेट, हमें कोई रेगुलेशन अभी इस पे, इस पर्टिकुलर फील्ड पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर अभी हमें नहीं लानी चाहिए, जो सेंट्रल बैंक ऑफ चिले है। लेकिन उन्होंने बातों बातों में ये ज़रूर हिंट किया कि अगर कभी वो रेगुलेशन लेके भी आए तो क्रिप्टो करेंसीज को वो एक इनटेंजिबल एसेट का दर्जा दे सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट को की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसी के सराउंडिंग वो रेगुलेशन लेके आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है चिले से। दूसरा अपडेट है ईरान से। ईरान में अभी हमने लास्ट वीडियो में भी, हमने लास्ट रेगुलेटरी अपडेट में बोला था कि ईरान के चार नेशनल बैंक मिलके एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है पेमॉन, जो कि बैक्ड होगी गोल्ड से। तो ये खबर वहाँ से आ रही थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं वो जो खबर थी वो डिरेल हो गई है, क्योंकि जो प्लान्स थे अब उन्हें होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान है अभी भी वहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है उस पर प्रोहिबिशन है, अभी आप उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी जो प्लान है वो डिरेल हो गया है, होल्ड पे चला गया है, लेकिन एटलीस्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो वहाँ के जो चार नेशनलाइज्ड बैंक है ये उसकी पेमॉन को बैकिंग थी, और फ्यूचर में हो सकता है कि वो प्रोहिबिशन हट जाए और वहाँ पे ईरान अपना जो है इस क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर दे। उसके बाद एक जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आ रहा है वो यूएसए से आ रहा है। यूएसए का एक रेगुलेटर है जिसका नाम है CFTC, कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन जो है, बेसिकली इस रेगुलेटर का काम है जो कमोडिटी एक्सचेंज है, जो कमोडिटी के अंदर जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ये उसको रेगुलेट करता है। हर साल ये लोग क्या करते हैं कि एक एजेंडा फॉर्म करते हैं कि हर साल हमारी ये प्रायोरिटी लिस्ट है, हम इन मुद्दों पे हम सोचेंगे, विचार करेंगे, और इन चीज़ों को हो सकता है हम इन कमोडिटीज़ को इंक्लूड करें, इन कमोडिटीज़ को एक्सक्लूड करें। तो इनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट 2019 की जो बनाई है, जिसका नाम ये कहते हैं एग्जामिनेशन लिस्ट 2019, उसके अंदर इन्होंने क्रिप्टो को रखा है। ये इस साल ये सोचेंगे कि क्रिप्टो को हमें एज अ कमोडिटी ट्रीट करना चाहिए कि नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, यूएसए से आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा अपडेट है, अगेन एक
बहुत ही बड़ा देश रशिया, रशिया के मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने बोला है कि अभी इट इज़ टू अर्ली टू डिफाइन लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, लीगली डिफाइन करना अभी इट इज़ टू अर्ली कि हम क्रिप्टो करेंसीज को लीगली डिफाइन करें. जो आर्टिकल 75 है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोहिबिट करता है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज अ मोड ऑफ पेमेंट. तो अभी रशिया भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है वो भी सोच रहे हैं कि अभी इट इज़ टू अर्ली, लेट्स नॉट जम्प इन टू इट. तो वो भी जैसे अभी हमने चिले के बारे में सुना, तो रशिया में भी ये सिग्नल्स आए कि अभी दे विल टेक देयर ओन टाइम. कुछ देश जो टाइम ले रहे हैं और कुछ देश जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी वक्त नहीं ले रहे, दिमाग नहीं लगा रहे और तेज़ी से इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें एक देश है लिशेनस्टाइन. तो एक हमने नाम सुना था स्विट्जरलैंड का, स्विट्जरलैंड और लिशेनस्टाइन, ये दो ऐसे देश हैं जो बहुत तेज़ी से, जहाँ क्रिप्टो करेंसीज़ का एडॉप्शन हो रहा है बहुत तेज़ी से, वहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड जो कंपनीज़ है वो वहाँ पे फॉर्म हो रही हैं. अगर मैं आपको बताऊँ तो लिशेनस्टाइन ने तो ये कर दिया है कि जो वहाँ के पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको एक्सचेंज बना दिया है. तो अगर आप वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो अपने फियाट को वहाँ पे दीजिए और बदले में आप बिटकॉइन लीजिए. तो आप बिटकॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस से. और यही नहीं, वो आपको क्रिप्टो तो देते हैं, तो साथ में आपके वॉलेट आप कहाँ रखोगे, तो वो आपको एक हार्डवेयर वॉलेट भी देते हैं, उसके अंदर आपकी प्राइवेट की और पब्लिक की आपको बताते हैं कैसे, क्या आपकी प्राइवेट की है, क्या आपकी पब्लिक की है, और आप अपना BTC उसमें लें और घर आ जाए वापस. तो इस लेवल पे लिशेनस्टाइन वहाँ पहुँच गया है. और आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ कि स्विट्जरलैंड और लिशेनस्टाइन के अंदर पिछले 1.5-2 साल के अंदर 750 कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वहाँ इस्टेब्लिश हो चुकी हैं. वहाँ की जो 50 कंपनियाँ हैं वो दुनिया का 1/5 क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल करती हैं. आप इमेजिन करिए कि जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर पहल करते हैं तो आप दुनिया पे राज करते हैं. तो ये छोटे छोटे से जो देश हैं, स्विट्जरलैंड तो खैर बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी, बट लिशेनस्टाइन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये ऑलरेडी इसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे निकल गए. बहुत ही इंकरेजिंग खबर है एशिया से. इंडोनेशिया जो दुनिया का 4th मोस्ट पॉपुलस नेशन है, तो इंडोनेशिया के अंदर फाइनली रेगुलेशन आ गई है और क्रिप्टो करेंसीज को एज अ कमोडिटी ट्रीट करने की बात वहाँ पे कर दी गई है कि एज अ कमोडिटी से ट्रीट करेंगे, कमोडिटी फ्यूचर्स के अंदर आप डील कर सकते हैं एक्सचेंजेस पे. लेकिन वहाँ के जो ऑलरेडी जो लोग थे जो क्रिप्टो में डील करते, जो एक्सचेंजेस थी, जो एंटरप्राइजेस थी, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा लगा दी गई हैं. कंडीशंस के अंदर ये है कि अगर किसी को एक कमोडिटी एक्सचेंज खोलनी है तो उसको $70 million की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसको बैलेंस शो करना है, वो सरकार के पास जमा कराना है $70 million का बैलेंस. तो आप समझ सकते हैं उनका ये कहना है कि एंटरप्राइजेस का कि $70 million में तो वो रूरल ब्रांच जो होती है बैंक खोलने की जो कॉस्ट है उससे भी उनकी 2x-3x ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी. तो इतने में तो एक बैंक खुल जाता है जितने में वो हम लोगों को बोल रहे हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए. तो बहुत इनकरेजिंग नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में ये अमाउंट कम हो जाए, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट ने ये तो रखा है कि उसे रेगुलेट करने की बात तो करी है. बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आ रही है ओमान से. ओमान एक गल्फ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज है. हमने अभी पीछे एक रिसेंटली ट्वीट भी किया था. तो ओमान के का जो सबसे बड़ा जो बैंक है उसका बैंक धोफर के थ्रू जो उनका सबसे बड़ा बैंक है, अब कोई भी इंडियन वहाँ पे रहता है अगर तो वो रिपल के थ्रू, रिपल की टेक्नोलॉजी के थ्रू घर पे पैसा भेज सकता है भारत के अंदर. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. क्यों उन्होंने ये यूज़ किया, क्योंकि जो ओमान की पॉपुलेशन है उसकी 20% पॉपुलेशन इंडियंस है. तो ये कितना सहूलत हो गई वहाँ के लोगों को कि वो इंडिया में पैसा भेज सकते हैं रिपल टेक्नोलॉजी के थ्रू. यही नहीं, गल्फ के अंदर करीब $25 billion लोग हर साल इंडिया में भेजते हैं. इंडियन सिटीजन जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं. सोचिए कितनी बड़ी कॉस्ट सेविंग होगी. जितना पैसा इंडियंस जो है वो रेमिटेंस जो भेजते थे उसके ऊपर एक कॉस्ट इनकर करते थे, जब वो कॉस्ट सेव होगी उतना ज़्यादा पैसा वो भारत में वापस भेज देंगे, जो कि ऑब्वियसली जब घर यहाँ इंडिया में पैसा आएगा तो वो हमारी इकोनॉमी को और हमारे यहाँ पे लोगों को कितना फ़ायदा करेगा
उससे हमारी रेमिटेंसेस पे जो कॉस्ट हम इनकर करते थे, जो बाहर की फॉरनर कंपनीज जो होती थी, फॉरेन कंपनीज ले जाती थी हमारे ही पैसे को, तो वो कितनी सेविंग होगी। इनफैक्ट अभी रिसेंटली कुवैत के अंदर भी इंडियंस बहुत काम करते हैं, तो नेशनल बैंक ऑफ कुवैत ने भी अब रिपल के थ्रू भारत में पैसा भेजने की बात शुरू कर दी है। अगर हम बात करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है फ्रांस से। फ्रांस के अंदर क्या हुआ है कि जो वहाँ की जो टोबैको कंपनी जो आउटलेट्स है, करीब फ्रांस के अंदर करीब 10,000 से 15,000 जो टोबैको आउटलेट्स है, अब वहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। तो सपोज इफ़ यू वांट टू हैव अ फैग और यू वांट टू बाय स्वीट्स, यू वांट टू बाय च्युइंगम, अब आप वहाँ खड़े खड़े च्युइंगम खाते हुए, टॉफ़ी खाते हुए, वहाँ पे आप अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हुए BTC भी खरीद सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। अब इस जिस कंपनी ने ये शुरू किया है, उस कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव ये है, जिसने ये सर्विस शुरू करी है, कि उसका सपना है कि दुनिया के अंदर वो हर जगह ये सर्विस यूज़ करेंगे, लॉन्च करेंगे। उनका ये सपना है कि आदमी जब उठे तो 10 किलोमीटर की रेंज में उसे क्रिप्टो खरीदने का मन हो तो वो खरीद ले। इसमें खरीदारी कैसे होती है, जैसे सपोज वो कोई भी टोबैको की शॉप पे गया और वहां पे उसने एक कूपन खरीदा, पैसे दिए, कूपन खरीदा 25 यूरो का, 30 यूरो का, 50 यूरो का, 100 यूरो का, 150 यूरो का, उन्होंने स्लैब्स बना दिए, आप कूपन लो, वापस आओ घर के अंदर, उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ कूपन कोड डालो, अपना वॉलेट एड्रेस डालो, वो उसको उस कूपन को ऑथेंटिकेट करती है वो कंपनी, और उस उतने अमाउंट का आपके वॉलेट के अंदर BTC आ जाता है, जिसकी ये 8% सर्विस चार्ज लेते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि अब BTC खरीदना कितना आसान हो गया। दुनिया कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, रेगुलेशन कितनी तेज़ी से दुनिया के अंदर छा रही है। आई एम 110% श्योर के हम लोग, हमारा देश भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन पे जल्दी काम करेगा, हम लोग जल्दी इस पे आगे बढ़ेंगे। ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अपडेट्स हम अब तक लाते रहेंगे। बने रहिए क्रिप्टो कानून के साथ। हमें ऐसा लगता है कि हम आपके सामने कोई भी ऐसी छोटी से छोटी अपडेट होगी रेगुलेशन की, आप तक ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएँ और हमें ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए बने रहें क्रिप्टो कानून के साथ। थैंक यू।